तस्वीर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उम्मीदों के पंख लग गए हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है 50 सालों में जिस तरह का बदलाव नहीं होगा हुआ है वह बदलाव होने जा रहा है। हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत ज्यादा उम्मीदें बन गई पूरे देश भर में, जिस तरह से दावा किया गया कल से ही कि नया कांग्रेस नया कलेवर में संगठन से लेकर सत्ता तक सब कुछ बदलेगा। देखिए, जो 2014 में जो वादा करके मोदी जी और एनडीए सरकार आई थी, उसको आठ साल हो गए। बीजेपी के लिए करने हम अपने लिए आए हैं। नहीं नहीं, आठ साल हो गए। आठ साल के बाद में जो हमारा 10 साल का यूपीए सरकार का कार्यकाल था, जो जिन जिन सेक्टरों में हमने काम किया था जनता के लिए, जो नीतियां हमने बनाई थी, तो उसको क्रेस करके उनको एक तरीके से उनको गलत बता करके ये लोग सत्ता में आए थे। अब स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गई है कि 10 साल में जो हमने किस किस सेक्टर में फार्मर्स के लिए क्या किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, दूसरे क्षेत्र में हमने क्या किया था, तो वो सब चीजें अब एक तरीके से तुलना करने का समझ में आ रहा है। गोविंद जी, महंगाई इस देश में है, लोग पेट्रोल 120 रुपए भरा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। कल जब सोनिया गांधी कह रही थी कि लोगों की उम्मीदों के बारे में हमें पता है, अपनी कमियों के बारे में पता है, तो यहाँ पर जो चिंतन मंथन हो रहा है कि संगठन में किस तरह से बदलाव हो। देखिए, संगठन के लिए ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में जो चर्चा होगी उसकी रिपोर्ट आज 8 बजे तक डिस्कशन करके मैडम सोनिया गांधी जी को मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में बनी समिति देगी। कल जो वो जो देंगे उसके बाद में जो निर्णय होंगे वो चर्चा में शामिल है। जो अजय माकन जी ने कहा कि ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर निर्णय होना है चर्चा होने के उपरांत, यही तो अजय माकन जी ने कहा था। तो आज चर्चा होके कंप्लीट और मैडम को देंगे तो मैडम फिर उसको अनाउंस करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बात को लेकर है कि कांग्रेस परिवारवाद से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस में नेता का बेटा नेता बनने की परंपरा हो गई है, तो अब लग रहा है कि इस पर ब्रेक लगेगा, एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। जैसे अशोक गहलोत कहते हैं मैं साधारण कार्यकर्ता था, आप भी कहते हैं कि मैं साधारण कार्यकर्ता था, तो इस तरह कार्यकर्ताओं का एक मनोबल ऊंचा होगा। इस तरह से निश्चित रूप से देखिए, ये हर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता भी चाहता है कि जो नेता होता है उसके नेता के बेटे को या उसके परिवार को अचानक से ला करके राजनीति में लाया जाता है। जो शेष कार्यकर्ता होते हैं उनमें इस बात का आक्रोश होता है कि हम काम करते थे तो हमको मौका क्यों नहीं मिला। तो इस संदर्भ में जो आम आवाज जो लोगों की है, उस आवाज को यहाँ डिस्कशन के लिए रखा गया है, और यही अजय माकन जी ने कल कहा था कि इस तरीके का डिस्कशन आया है। अब उस डिस्कशन के उपरांत ये जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके ऊपर जो मैडम सोनिया गांधी जी जो फैसला करेंगी वो आपके सबके सामने आ जाएगा। एक फोकस युवाओं को लेकर भी है, काफी बात युवाओं से, युवा पहला नव संकल्प शिविर है ये, जिसमें 50% युवाओं को, 50% कम उम्र के लोगों को लिया गया है और 21% महिलाओं को लिया गया है। तो एक नया विजन पेश किया गया है निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी सरकार के समय युवाओं का भारत कह करके उनसे वादा करके और वोट लिए थे, लेकिन युवाओं के साथ छलावा हुआ है, चाहे रोजगार को लेकर ले लीजिए, चाहे उनके और दूसरे कोई उद्योग व्यापार के लिए ले लीजिए, हर चीज में छलावा हुआ है। तो आज युवा आक्रोशित है, तो ऐसे में हमको एक पॉलिसी बना करके एक डिसीजन लेकर के कि युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है और किस प्रकार से उनको चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो कैसे आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है, इस बात पे चिंतन मनन हो रहा है। सवाल, इस संगठन में जो कूलिंग पीरियड को लेकर बातचीत हो रही है, तो क्या उससे नए नेता पैदा होंगे, संगठन में जान आएगी, क्यों कूलिंग पीरियड क्यों रखा जा रहा है? देखिए, ये सब डिस्कशन के बिंदु है, ये सब चीजें, मेरा सुझाव कुछ आएगा, किसी का सुझाव कुछ आएगा, किसी का सुझाव कुछ आएगा, उसके बाद में अंतिम निर्णय क्या आता है उसके ऊपर बाद में उस पर चर्चा किया जाएगा। इसमें चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी क्या यहाँ से अध्यक्ष के रूप में पेश किए जाएंगे, बनेंगे? ये जो नव संकल्प शिविर है उसमें 6 ग्रुप बने हैं, वो 6 ग्रुप के अलावा कल एक मेन सेशन हुआ था, अभी आज पूरे दिन और कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, वो 6 ग्रुप अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं एजेंडे के मुताबिक, जो एजेंडा जो विषय उनको दिया गया है उसकी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट का सार कल मैडम बताएंगी। कल भाषण दे रहे तो कह रहे थे कि नया नया अध्यक्ष बनाओ, कोई गलती हो तो माफ करना। वो तो नहीं, अध्यक्ष बनने की गलती नहीं कह रहा था मैं ये कह रहा था कि भाई इतना बड़ा आयोजन तो हमारा धर्म बनता है, और राजस्थान की हमारे शेखावाटी की ये परंपरा रही है कि जो मेजबान होता है वो मेहमान को मेहमान नवाजी तो करता है, आतिथ्य सत्कार तो करता है, लेकिन ये भी कहता है कि भाई कोई गलती हो गई तो माफ करना। तो
इतनी बड़ी व्यवस्था है, किसी को गाड़ी की है, कमरे की है, खाने की है, किसी को पीने की है। मुझे पता लगा कि कल यहाँ पत्रकारों को थोड़ी सी असुविधा हुई तो मैं आज आया कि भाई मेरे जो राजस्थान के लोग हैं, दिल्ली को भी नहीं होनी चाहिए, राजस्थान के लोगों को भी नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा धर्म बनता है। चिंतन शिविर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद होंगे? बिल्कुल 100% होंगे। 2023 कांग्रेस का राजस्थान होगा और 2024 यूपी होगा। कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि फैसला सब कुछ गांधी परिवार को लेना है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं, उन सारे सुझावों पर गांधी परिवार किस तरह से फैसला लेता है और कांग्रेस किस तरह से नए कलेवर में दिखती है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कैमरा मैन मनीष के साथ शरद कुमार,